हेलो एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर। आज जिस मूवी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एजम 2 जिन ग्रेस, यानी द ग्रज ऑफ द जिन। ये मूवी आई थी 2015 में। ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। वीडियो के एंड में मैं आपको इससे जुड़ी रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर पोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत भी एक कहानी से होती है, जहाँ में बताया जाता है कि दोनों दुनिया के आर पार जाने का एक ही रास्ता है, जो कि है आईने की दुनिया। ऐसे आईनों को वो आईना कहते हैं जो सब कुछ देख सकते हैं। इस आईने को बनाने के लिए काफी वक्त लगा था। ऐसे आईनों को जिन को कैद करने के लिए बनाया जाता है। इस आईने को पहले एक कपड़े में ढक के प्रेयर्स पढ़ी जाती है, और फिर जब खून उबल जाए तो इस आईने को उसमें डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसको सूखने के लिए रखा जाता है। जब तक उस कपड़े से खून निकलता है, 3 दिन तक प्रेयर्स पढ़ी जाती हैं। ऐसा 7 दिन तक करना होता है, और तब इस आईने के जरिए आप जिन को कैद कर सकते हैं। इस आईने पे इंसान अपनी ख्वाहिश लिखता है, और उसे ये ख्वाहिश 40 बार अजान में सुबह पढ़नी होती है, जिसमें से 7 तो जिन के लिए होती है, जिसके बाद इस आईने के जरिए बुरी आत्मा को कैद किया जाता है। इसके बाद कहानी कंटिन्यू होती है एक जंगल के सीन से, जहाँ कुछ लोग एक ताबूत को लेके जा रहे होते हैं। उन्हीं आदमियों के साथ एक और आदमी चल रहा होता है जो लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था। वो लोग इस ताबूत को लेके एक आदमी के घर में जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच बना था, और ये आदमी यहाँ का ओझा है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम एक और आदमी को देखते हैं, जो कि है आफान। इस सीन में आफान एक लड़की का सपना देख रहा होता है, जो कि आग के बीचों बीच खड़ी है शीशे के सामने, और वो बहुत ही क्रीपी लग रही थी और उसके हाव भाव एकदम ईवी लग रहे थे। और यहाँ आफान का सपना टूट जाता है। उधर ओझा के घर में ओझा ताबूत के सामने बैठ जाते हैं और प्रेयर्स करने लगते हैं। जैसे ही ओझा प्रेयर पढ़ना शुरू करता है, वो ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है, मानो उस ताबूत में रखी लाश बाहर आना चाह रही थी। ओझा उस ताबूत को पकड़ता है और उसको किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ओझा उन गाँव वालों से कहता है कि इसमें जितने कम लोग हों उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब आफान भी ओझा के घर आ जाता है। दोनों ताबूत खोलते हैं। आफान प्रेयर पढ़ता है और ओझा ताबूत खोलता है। यहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एदम। इस ताबूत में जो लड़की बंद है, ये उसका पिता है। दरअसल इस ताबूत में एक लड़की है जिसका नाम है एलिफ, जो कि एक जिन के द्वारा पोजेस्ड है। एलिफ को उस ताबूत में से निकालने के बाद ओझा आफान से कहता है कि एलिफ को वो लोग बांध दें, लेकिन एदम ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि एलिफ उसकी बेटी थी और वो ये सब नहीं कर सकता था। तब आफान कहता है कि उनकी बेटी को बचाने का यही एक रास्ता है। वो लोग एलिफ को रस्सी से बांध देते हैं, और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एलिफ की रस्सी खुल गई थी। वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। बाहर ओझा आदम से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कैसे हुआ, तुम कुछ तो जानते होगे। ओझा कहते हैं कि 2 दिन से एलिफ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आदम कहता है कि वो सब कुछ बताना तो चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको ऐसा करने से रोक रहा है। तब आफान अपनी आंखें बंद करता है और अपना हाथ आदम के सर पे रखता है, जिसके बाद हम सारी कहानी आफान के जरिए सुनते हैं। आफान बताता है कि ये सब पिछले साल से हो रहा है, और उसी साल एलिफ की माँ गुजर गई थी। आदम को लगा कि शायद इसी वजह से एलिफ उदास रहती है। एलिफ के माँ को उसी गाँव में दफनाया गया था। एलिफ रोज अपनी माँ की कब्र पे जाके रोया करती थी, और उसके पिता उसको वहां से ले आया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एलिफ रात को गायब हो जाती थी, और जब उसके पिता ढूंढने जाते थे तो वो उसी कब्र के पास मिलती थी। एलिफ अब रोज रात में 3 से 4 के बीच में गायब हो जाया करती थी, और वो उसी कब्र के पास मिलती थी, और उसके पिता उसको वहाँ से ले आया करते थे। लेकिन कुछ वक्त बाद गांव वालों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। गांव वालों का कहना था कि रोज रात में रोने की आवाज आती है, जिसके बाद एलिफ के पिता रात भर जागते थे और वो एलिफ को बाहर नहीं जाने देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन पिछले महीने से एलिफ बहुत ही जिद्दी हो गई थी और अब उसको रोक पाना मुश्किल हो गया था। एलिफ के पिता के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने एलिफ को बांधना शुरू कर दिया था। तब गांव वाले ने कहा कि उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वहां सब एलिफ को पागल कहा करते थे। लोगों का कहना था कि एलिफ को किसी जिन ने पोजेस्ड किया है, लेकिन उसके पिता ने इस पे बिलीव नहीं किया था। लेकिन आज सुबह जो उन्होंने देखा उस पे वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब वो रूम के अंदर गए तो हर जगह मिट्टी थी। एलिफ के हाथ मिट्टी से सने हुए थे।
उन्होंने एलिफ के हाथ को बांधने की कोशिश की लेकिन बांध नहीं पाए। पूरे कमरे में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि पूरे कमरे में मिट्टी ही मिट्टी भरती हो। लेकिन जब एलिफ उठी तो वो चिल्लाने लगी थी। उसका चिल्लाना सुन के उसके आस पड़ोस वाले आ गए थे और उन्होंने एलिफ के पिता की मदद करी, जिसके बाद एलिफ बेहोश हो गई। और फिर अचानक एलिफ उठ के बात करने लगी। वो किसी और ही भाषा में बोल रही थी जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। एलिफ के पिता सिर्फ इतना समझ पाए कि एलिफ ने डैड बोला था। ओझा एदम से कहते हैं कि एलिफ की माँ की कब्र से मिट्टी लेकर आओ। अब एदम और अफान मिट्टी लेने के लिए जाते हैं और एलिफ की माँ की कब्र से मिट्टी ले लेते हैं। उसी रात ओझा ने दीवार पे काली स्याही से प्रेयर लिख दी थी और वहीं पे अपने हाथ की छाप बना दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने लकड़ी का ढेर रखा था। ओझा सारी तैयारियां कर चुके थे। उसी रात आफान और एदम आते हैं। जब ओझा एदम को लाल पानी देता है और कहता है कि इसको हर कोने में छिड़क दो, और एदम ठीक ऐसा ही करता है। ओझा आफान को बताते हैं कि आज रात कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि एलिफ को लेकर आओ। जब आफान एलिफ को लेने जाता है तो वो वहाँ नहीं होती जहाँ आफान ने उसको बांधा था। अब आफान उसको ढूंढता है और एलिफ एक कोने में बैठी होती है और रो रही होती है। आफान की तरफ रस्सी बढ़ा के कहती है, वो लोग पूछ रहे हैं कि तुमने उन्हें क्यों बांधा था। एलिफ को इस हालत में बाहर लेके जाना मुश्किल था, इसलिए अफान एक मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ एलिफ के सर पे रख देता है, जिससे एलिफ बेहोश हो जाती है। वहीं पे एदम खड़ा था जो एक टक कुछ देख रहा था, मानो उसको कुछ दिख रहा हो। अफान उसको बुलाता है लेकिन एदम नहीं सुनता। तब अफान एदम को होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद एदम वापस सही हो जाता है। अब वो दोनों एलिफ को बाहर लेकर जाते हैं और उसको उसी लकड़ी के गट्ठर की रस्सी से बांध देते हैं, जिसके नीचे ओझा ने अपने हाथ की छाप लगाई थी, और उसके हाथ पे वही निशान बनाते हैं जो उन्होंने लकड़ी पे बनाया था। अब ओझा एलिफ के कान में मंत्र पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं होता। तब अफान कहता है कि वो अभी भी पूरी तरह एलिफ पे हावी नहीं है, उसकी बॉडी अभी भी काम कर रही है। ये लोग अजान की आवाज से नफरत करते हैं। इन लोगों को बस कुछ देर और रुकना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लोग प्रेयर्स पढ़ते हैं और ओझा अब उस शीशे के बॉक्स को लेकर बाहर जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पानी पढ़ के आफान को देता है। आफान अपनी जेब से एक काला कपड़ा निकालता है जिसको पहले से ही पढ़ा गया था, और उस कपड़े को उस पानी में डुबा के एलिफ के माथे पे लगाता है। ओझा ने वो आईने वाला बॉक्स एलिफ के सामने खोल के रख दिया था। ये सब करने के बाद एलिफ को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसको रस्सियों से बांधा गया है। एलिफ होश में आती है और पूछती है कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं, पर वो जोर से चिल्ला के मदद मांगती है। एलिफ थोड़ी देर के लिए अपने होश में आती है और वापस पोजेस्ड हो जाती है। अब ओझा एलिफ को छुड़वाने के लिए प्रेयर्स पढ़ते हैं। वो प्रेयर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एलिफ पे कुछ काले कलर की चीज डालते हैं, जिसके बाद एलिफ के अंदर का जिन जाग जाता है। एलिफ पोजेस्ड हो जाती है और उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती है। एलिफ दूसरी ही भाषा में बात करने लगती है। ओझा एलिफ की एक नहीं सुनते और लगातार प्रेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके बाद एलिफ वापस दूसरी भाषा में बोलने लगती है। तब ओझा एलिफ से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, और एलिफ ओझा से कहती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो। दिन तो इंसानों के लिए होता है लेकिन रात हमारे लिए होती है। ओझा वापस प्रेयर पढ़ने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद एलिफ के हाव भाव बदल जाते हैं और वो एकदम आक्रामक हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ओझा और एलिफ के बीच में जबानी जंग शुरू हो जाती है। एलिफ यहाँ एकदम पागल सी बौखलाई सी नजर आती है, वो बहुत ही ईवी लग रही थी। कुछ देर बाद ओझा थक जाते हैं लेकिन आफान अभी भी प्रेयर पढ़ना जारी रखता है। आफान की प्रेयर के असर से एलिफ के अंदर का जिन तड़पने लगता है और वो एलिफ को बुरी तरह तड़पाता है, जिससे एलिफ की बॉडी मुड़ने लगती है। इसके बाद एलिफ को उल्टी हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और इस सीन में हम देखते हैं कि एलिफ के अंदर से एक काला धुआं निकलता हुआ आता है, जो एदम आफान और ओझा पे हमला कर देता है और उनको अंदर खींच ले जाता है। जब ओझा की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि एलिफ ने अपने आप को छुड़वा लिया था, लेकिन वो अभी भी पोजेस्ड थी। वो ओझा के पास आती है और जोर से चिल्लाती है, और यहाँ में पता लगता है कि ओझा की मौत हो गई है। अब एलिफ वापस अपने होश में आती है और खुद की रस्सी छुड़ाती है और वहां से भाग जाती है। और यहाँ आफान को एक सपना आता है। उस सपने में वो एक औरत को देखता है। उधर एलिफ भागते हुए एक कार के सामने आ जाती है। इस कार में एक कपल था, मेलिक और बहादीर। एलिफ रोते हुए उनको बताती है कि उसको किसी ने बांध के रखा था और उसको अब कुछ भी याद नहीं है। जब उसकी आंख खुली तो एकदम अंधेरा था, लेकिन वहां उसने अपने पापा को देखा था।
मेलक कहती है कि पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद पुलिस के पास, वो तुम्हारे पापा को ढूंढ लेंगे। लेकिन एलिफ कहती है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी, जिसके बाद बादिर और मेलक उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाते हैं। लेकिन जाने से पहले बादिर गन ले लेता है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उनको आफान मिलता है जो अभी भी बेहोश था। मेलक उसको होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन बहादुर को आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये शक्ति तुमको छोड़ेगी नहीं। उसने इन लोगों को कैद कर लिया है और वो अब इन लोगों को कहीं जाने नहीं देगी। यह आफान को अभी भी उस लड़की का सपना आ रहा था। मेलक उसको उठाती है और आफान अपने होश में आ जाता है। आफान को तुरंत ओझा की याद आती है। इस बीच बहादुर उस आवाज का पीछा करता है और उस आवाज के पीछे चला जाता है। आफान जब ओझा को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि ओझा मर चुके हैं। आफान को वहाँ कोने में बहादुर दिखाई देता है। आफान को वहाँ एदम भी दिखता है जिसकी मौत हो गई थी और उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। आफान देखता है कि बहादुर उस शीशे वाले बॉक्स के सामने खड़ा होता है जिसमें से आवाजें आ रही थी, और आफान जैसे ही उस बॉक्स को उठाता है बहादुर अपने होश में आ जाता है। वो जैसे ही अपने होश में आता है आफान की तरफ गन तान देता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा था। तब आफान उसको सारी बात बताता है, लेकिन बहादुर उस पे विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि तुमने इस लड़की को बांध के रखा था। जिसके बाद उन लोगों को ऊपर से आती आवाज सुनाई देती है। बहादुर बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लोग वहाँ से बाहर नहीं जा पाते, जिसके बाद बहादुर को हवा में पीछे की ओर फेंक दिया जाता है। आफान बहादुर से कहता है कि तुम्हें अब तो विश्वास होगा, और वो उसके हाथ से गन लेके फेंक देता है। अब आफान वापस उस शीशे वाले बॉक्स को वहां रख देता है जहां पे ओझा ने प्रेयर्स लिखी थी, और वो एलिफ और मेलक को एक जगह बैठा देता है और उनके चारों तरफ मांस के टुकड़ों से घेरा बना देता है जिन पे प्रेयर्स लिखी हुई थी, और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम लोग इस सर्कल से बाहर मत आना। आफान अलमारी से कैमरा निकालता है और बहादुर को देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ मदद करो। वो बहादुर से कहता है कि तुम कैमरे में सब कुछ देखते रहना और जो तुम देखो वो मुझे बता देना। अब ऊपर जाके आफान पड़े हुए पानी को हर कोने में फेंकता है। जैसे ही आफान उस पड़े हुए पानी को दीवार पे फेंकता है, वहाँ पे उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। आफान बताता है कि उनके पैर इसी तरह होता है। जब बहादुर कैमरे के थ्रू देख रहा होता है तो वो दीवार के ऊपर तक देखता है और वहाँ पे उसको कुछ बैठा दिखाई देता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। तभी नीचे से मेलक की आवाज आती है और वो लोग दौड़ते हुए नीचे आते हैं। बहादुर के हाथ से कैमरा छूट गया था और हम देखते हैं कि उस कैमरे में एलिफ दिखाई पड़ती है। वो लोग जब नीचे जाते हैं तो मेलक एक तरफ इशारा करती है और वहाँ की अलमारी अपने आप गिर जाती है जिसके पीछे एक मार्क बना होता है। ये वही मार्क था जो स्टार्टिंग में आफान ने एलिफ के हाथ पे बनाया था। उस निशान पे क्रॉस बना होता है, और जब आफान एलिफ के हाथों को देखता है तो उसे पता चलता है कि एलिफ के हाथों से वो निशान गायब था। आफान बताता है कि जो जिन एलिफ को पोजेस कर रही थी वो उसको बुला रही है। वो बहादुर को भी अब उस घेरे के अंदर बैठने के लिए कहता है और खुद ऊपर चला जाता है ताकि ऊपर रखी किताब से वो कुछ मदद ले सके। नीचे एलिफ मेलक को अपनी ही कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पिता और गाँव वालों ने उसको मार के ताबूत में रख दिया था जबकि वो जिंदा थी। उसकी माँ की मौत के बाद उन लोगों ने उनको भी कॉफिन में रख दिया था। बहादुर अब भी उस सर्कल के बाहर बैठा हुआ था और वो एलिफ को कहता है कि वो अकेले नहीं है, वो लोग उसके साथ हैं। बहादुर को वापस उस बॉक्स से आवाज सुनाई देती है जिसके अंदर वो शीशा रखा था। बहादुर उस शीशे को लेके एक रूम में चला जाता है। उधर आफान किताब से कोई प्रेयर ढूंढने की कोशिश करता है और उसको एक प्रेयर मिल जाती है, जिसके बाद वो एक कटोरी में पानी भर के उसमें एक चाबी डालता है और उसको पढ़ता है। उधर बॉक्स से लगातार आवाज आ रही थी। उस बॉक्स ने बहादुर के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया था। वो बहादुर के थ्रू अपने आप को उस बॉक्स से आजाद करवा लेती है। बहादुर उस बॉक्स को खोल देता है और उसके अंदर उसको एक पेपर मिलता है और वही काले कपड़े में लिपटा शीशा, जिसको वो दीवार की तरफ फेंक के तोड़ देता है। आफान जब वापस आ रहा होता है तो उसको बहादुर मरा हुआ दिखता है। नीचे आने पर मेलक आफान से पूछती है कि बहादुर कहाँ है। आफान कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। आफान को उस किताब में अब एक प्रेयर मिल गई थी जिसको वो दीवार के पास जाके पढ़ने लगता है, और हम देखते हैं कि तभी एलिफ पोजेस्ड हो जाती है। वो मेलक को अपने कब्जे में कर लेती है और उससे वो मांस के टुकड़ों की रस्सी तुड़वा देती है जिससे आफान ने सर्किल बनाया था ताकि एलिफ आसानी से बाहर जा सके। अब वो सीधा आफान के पास जाती है और कहती है कि हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आफान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्योंकि उसने एलिफ के अंदर के जिन को कैद कर दिया था।
इसके बाद एलिफ मुड़ती है और वापस मेलिक की तरफ जाती है, क्योंकि मेलिक एलिफ के कब्जे में थी इसलिए उसको लगता है कि उसकी बेटी ऐसी आई है और अब वो एलिफ के साथ मिल गई थी। अब एलिफ आफान को भी मार देती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि आजान हो रही थी और उस घर से मेलिक और एलिफ बाहर आती हैं और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड में हुआ क्या। दरअसल एलिफ को जिस जिन ने पोजेस्ट किया था वो एक फीमेल थी और एलिफ को कई जिन्नों ने पोजेस्ट किया था, जिसमें से एक को उस ओझा ने उस आईने में कैद कर दिया था। एलिफ जब अपने होश में आई थी और अपनी रस्सी छुड़ा के बाहर भागी थी तो वो तब भी पोजेस्ट थी। उसने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की लेकिन वो खोल नहीं पाई, क्योंकि उसके अंदर की फीमेल जिन अभी भी एक इंसान के शरीर में थी और जो जिन उस आईने में कैद था उसको छुड़ाने के लिए उसको ऐसा इंसान चाहिए था जो आसानी से डरता हो और इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हो, और वो इंसान था बादीर। बादीर ने उस शीशे को तोड़ दिया था जिसकी वजह से उसके अंदर कैद हुआ जिन आज़ाद हो गया था। आफान को वो सपने बार बार इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो जिन आफान पे असर डालना चाहती थी, वो किसी तरह उसको अपने कब्जे में करना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। एलिफ जब पोजेस्ट थी तो उसने कहा था कि दिन इंसानों के लिए होता है और रात हमारे लिए। इसका मतलब जब एलिफ रात में अपनी माँ के कब्र पे जाया करती थी तो वो वही वक्त था जब जिन ने उसको पोजेस्ट किया था। एंड में एलिफ और मेलिक दोनों पोजेस्ट थी। एजम 2 जिस घटना पे बेस्ड है वो घटना 1921 में सकारिया में घटी थी। इस घटना के घटने के बाद 217 घरों को खाली कर दिया गया था। शूटिंग टीम के साथ मिलकर मेकारू की जांच करने वाले टीचर्स ने भी क्रू को चेतावनी दी थी। इस मूवी की शूटिंग 4 हफ्तों तक चली थी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन एजम 2 जिन ग्रेस को लेके, यानी ग्रज ऑफ द जिन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अब इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।